स्टैंडर्ड फोर्थ, वेलकम इन मैथ्स लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 12, सम मोर सम्स अबाउट हाउ हैवी हाउ लाइट। नाउ ग्राम्स एंड किलोग्राम, नेम फाइव थिंग्स डेट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स एंड किलोग्राम। ये तो बहुत ईजी है कि भाई ऐसी पांच चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप ग्राम और किलोग्राम में लेते हो। तो ग्राम में है चिली पाउडर, क्लोस मतलब लविंग, कार्डेमम मतलब एलची, ब्रिंजल मतलब बैंगन, ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्ची। और किलोग्राम में क्या लेते हैं तो कि वीट मतलब गेहूं, राइस मतलब चावल, शुगर मतलब खांड, पोटैटोस मतलब बटाटा और टोमेटोस मतलब टमेटा। नाउ व्हाट इज हेवियर, विच इज हेवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। कि भाई इसने पूछा है कि कौन सी चीज़ भारी होती है, 1 किलोग्राम कॉटन के 1 किलोग्राम आयरन। भाई ये तो सिंपल है कि कॉटन है या आयरन, दोनों का वेट तो एक ही केजी है, तो ना कोई भारी है ना कोई हल्का, दोनों का सेम ही वेट होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है। नाउ सर सी थ्रो अ हेवी वाटरमेलन एट मी। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसने ना मेरे पर एक भारी वाटरमेलन फेंका। ही थ्रू अ 1 किलोग्राम पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू अ 1 किलोग्राम वाटरमेलन। यस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 किलोग्राम कॉटन एंड 1 किलोग्राम मेलन इज इक्वल। कि भाई ये लड़के ने बोला कि इसने मेरे पर वाटरमेलन फेंका, तो ये लड़की बोली है कि भाई इसने मुझे मेरे ऊपर 1 किलो का कॉटन का पिलो मतलब तकिया फेंका, तो मैंने उस पर 1 किलो का वाटरमेलन फेंका, क्योंकि आपने ही तो बोला था कि 1 किलो कॉटन और 1 किलो मेलन का वेट एक जैसा होता है, मतलब दोनों ने एक दूसरे को एक सरखा मार के बैलेंस कर लिया। नाउ दिनेश वेंट शॉपिंग, दिनेश नाम का लड़का है वो खरीदारी करने जा रहा है। दिनेश वेंट टू अ शॉप एंड बॉट सम थिंग्स, हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स वेयर रिटन, गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स बॉट इन ग्राम एंड किलोग्राम। कि भाई ये लड़का खरीदारी करने गया, इसने इतनी सारी चीज़ें ली, लेकिन उसके छोटे भाई ने इसका थोड़ा सा हिस्सा फाड़ दिया, तो कौन सी चीज़ ग्राम में आएगी और कौन सी किलोग्राम में वे हमें बतानी है। तो राइस है तो वो 5 ग्राम तो हो नहीं सकते हैं, राइट, किलोग्राम ही होंगे। शुगर भी 1 ग्राम नहीं हो सकती, किलोग्राम हो सकती है। मस्टर्ड सीड मतलब राई के दाने, वो 10 ग्राम तो 10 ग्राम तो हम उसको नहीं लेंगे, और 10 किलोग्राम भी ज़्यादा होंगे, तो किलोग्राम ही देते हैं, 10 ग्राम तो बहुत ही कम होगा। वीट 3 kg है, दाल 500 ग्राम होती है, किलोग्राम नहीं, टी भी 250 ग्राम होती है, और पेपर मतलब मिरी जो हम काले ब्लैक पेपर से ना काले मरी, वो भी ग्राम में लेते हैं। नाउ कार एंड ट्रैक्टर, रितु इज वेइंग हर टॉयज, शी वांट टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हेवियर देन हर कार, हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली, गेस विच इज द हेवियर अ रियल कार बस और अ ट्रैक्टर। तो बस ही हेवी होता है, और रितु को कैसे हम हेल्प करेंगे कि भाई एक साइड कार रखनी है और एक साइड ट्रैक्टर, तो अगर ट्रैक्टर हेवी होगा तो वो पान नीचे जाएगा और कार हेवी होगी तो वो। नाउ इफ आई पुट 2 कार्स विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हेवियर, कि भाई मैं 2 कार यहाँ रखूँ तो भी क्या ट्रैक्टर हेवी होगा, तो शायद ना भी हो, राइट। नाउ विच इज द हेवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, कि अब तक आपने कौन सी चीज़ है जो सबसे भारी देखी है। तो अगर आपने सीप नहीं देखा है तो एलिफेंट तो आजकल हमारे यहाँ दिखता है, तो एलिफेंट हेवीएस्ट है, सीप देखी है तो सीप हेवीएस्ट है, ठीक है, वरना कार क्या, बस भी हेवी होती है, ट्रेन देखी है तो ट्रेन तो बस से भी ज़्यादा हेवी होती है। तो आपने जो भी चीज़ देखी है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, एलिफेंट्स वेट मतलब हाथी का वजन
Once a king had pain in his stomach, none of the palace doctors could cure his pain. Oh no, I cannot bear this pain. कि भाई एक बार एक राजा को पेट में बहुत दर्द हुआ और उसका जो महल था उसका कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया, तो वो चिल्ला रहा है कि मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है. द किंग देन सेड, फिर राजा ने क्या बोला, एनीवन हु क्योर्स माय पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट. कि भाई जो भी मेरे पेट दर्द को ठीक करेगा उसको मैं एक हाथी के वजन जितना सोना दूंगा. तो ऑन हैवीएस्ट हियरिंग दिस डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हिम. कि भाई ये सुनकर उसके राज्य के सारे डॉक्टर वहाँ आए, सब ने ट्राई किया लेकिन इनमें से सिर्फ एक डॉक्टर वैदिका थी वो ही उसको ठीक कर पाई. तो ओ ग्रेट माई पेन हैज गोन, थैंक यू डॉक्टर वैदिका. तो राजा का पेन चला गया तो उसने बोला कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, मेरा तो दर्द चला गया. और उसने डॉक्टर को थैंक यू बोला. सो कैन आई हैव माई रिवॉर्ड्स नाउ सर. तो वैदिका ने बोला कि क्या आप अभी मुझे मेरा इनाम दोगे. तो लेकिन क्या हुआ, बट द ग्रीडी किंग डिड नॉट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड सो ही थॉट फॉर अ ट्रिक. लेकिन राजा था वो थोड़ा लोभी था, उसने क्या सोचा कि चलो मैं एक ट्रिक करता हूँ फिर मुझे उसको सोना नहीं देना पड़ेगा. ओके, फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट देन आई विल गिव यू दैट मच गोल्ड. राजा ने क्या बोला कि भाई पहले तुम है ना हाथी का वजन निकाल, कि भाई हाथी का वजन करके मुझे बताओ कि इतने किलो हाथी है तो मैं इतने किलो तुम्हें सोना दे दूंगा. तो अभी क्या हुआ देखो, वेदिका वॉज अनहैप्पी वेन सी रीच द होम. सी टोल्ड हर डॉटर द होल स्टोरी. हाउ कैन आई वेट एन एलिफेंट, वेयर विल आई गेट सच अ बिग बैलेंस. डोंट वरी माँ, आई हैव एन आइडिया, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. तो ये सोचकर भाई वेदिका तो बहुत नाखुश हो गई, वो अपने घर गई और अपनी छोटी लड़की है उसको उसने सारी बात बताई और बोलने लगी कि भाई मैं हाथी का वजन कैसे निकालूं, इतना बड़ा बैलेंस मैं कहाँ से लाऊं जिसमें मैं हाथी को बिठा के उसका बैलेंस कर सकूं, वेट निकाल सकूं. तो उसकी जो छोटी लड़की है उसने बोला कि तुम चिंता मत करो माँ, तुम सिर्फ राजा को ये बोलो कि एक हाथी और हाथी जिसमें खड़ा रह सके ऐसी बोट का इंतजाम करो, बस बाकी सब मैं देख लूँगी. तो नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इनवाइटेड द किंग नियर अ रिवर. द किंग केम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट. आई थिंक सी इज अ फूल, हाउ विल सी वेट एन एलिफेंट विथ अ बोट. तो रात दूसरे सुबह है वेदिका ने राजा को बोला कि भाई आप नदी के किनारे आओ और साथ में एक हाथी और बोट लेकर आओ. तो राजा तो आया लेकिन ये मन में क्या सोच रहा है कि ये औरत मूर्ख है, वो एक बोट और हाथी से कैसे वजन निकालेगी एलिफेंट का, ऐसा वो सोच रहा है. वेदिकास डॉटर वेंट इन टू द रिवर. सी मार्क्ड ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर. Then she asked them to bring the elephant into the boat. The boat sank deeper, so she marked the new water level on the boat. फिर देखो उसकी लड़की ने क्या किया, पहले बोट को पानी में उतारा, फिर जितनी जहाँ तक बोट डूब रही थी उतने में उसने एक मार्क कर दिया, निशानी कर दी. फिर उसने बोला कि अभी हाथी को अंदर रखो, तो हाथी को खड़ा किया और फिर जितनी बोट डूब रही थी वहाँ तक उसने दूसरा निशान लगाया. Now imagine what happened next and complete the story. Discuss with your friends how Vedika's daughter found the weight of the elephant. कि भाई ये हमें बताना है कि ये कैसे किया होगा, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन शायद उसने ऐसा किया होगा कि देखो उसने हाथी पहले ऐसे ही बोट का वजन किया, राइट, उतना बोट का वजन हुआ जहाँ तक वो पानी में डूबी, फिर उसने हाथी को अंदर डाला,
तो हाथी का जितना वजन था उतनी बोट और अंदर डूब गई, राइट। फिर उसने क्या किया होगा कि हाथी को बाहर निकलवाया और अंदर पत्थर भरवाए, स्टोन्स, कि जहाँ तक हाथी का लेवल था वहाँ तक, यहाँ तक, दूसरे लेवल तक। यहाँ देखो, पहली बाल का लेवल आया वहाँ तक नहीं, हाथी को रखने के बाद जितना लेवल आया वहाँ तक उसने अंदर पत्थर भरवाए होंगे, फिर उन पत्थरों को निकाल के थोड़ा थोड़ा करके उसका वेट किया होगा और उन सब को प्लस करके उसने बताया होगा कि हाँ, एलिफेंट का वेट इतना हो सकता है। तो ये एक अच्छा आइडिया है भाई, वेरी गुड। नाउ हाउ मच द चेयर वेट्स, अभी ये चेयर का वजन कैसा है आप कैसे निकालोगे। अनामिका वॉन्ट्स टू वे दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन, ये एक वेइंग मशीन से ये चेयर का वजन करना चाहती है, तो वो कैसे होगा। तो अभी हाथी से हमें थोड़ा आइडिया तो मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे कि चेयर आ सके ऐसे कोई भी बैलेंस ले लेंगे दो, ठीक है। फिर उस दूसरे बैलेंस में हम भी सेम पत्थर डाल देंगे और उन्हीं पत्थरों को एक बोरी में भर के इसके ऊपर रख देंगे, तो हो गया, है ना। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस, तो भाई हमने तो सजेस्ट कर दिया। नाउ ब्रोकन स्टोन्स, अब्दुल सेल फायरवुड, देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 30 kg, ही यूज इट टू वेट फायरवुड। ये अब्दुल है, उसके जो कि क्या बोलते हैं जिसको आग जलाने की लकड़ियां बेचता है, तो उसके पास एक पत्थर है ऐसा बड़ा वाला जो कि 13 kg का वेट करता है और उससे वो लकड़ियां सबको झोंक झोंक के देता है वेट करके। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces विच वेट 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। अभी एक दिन क्या हुआ कि अब्दुल का पत्थर गिर गया और 3 टुकड़ों में बट गया, ऐसे 3 पीस हो गए, एक 2 kg का, एक 6 kg का और एक 5 kg का। तो भी अब्दुल देखो कितना अकलमंद है, बट अब्दुल वॉज वेरी स्मार्ट, ही यूज दोज 3 pieces टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 kg टू 9 kg। वो ए 3 पीस से 1 kg से लेकर 9 kg तक के ऐसे फायरवुड वेट कर सकता है, उसको वजन कर सकता है। तो हियर इज हाउ अब्दुल वेट 1 kg ऑफ फायरवुड, यहाँ हम देख सकते हैं कि अब्दुल 1 kg फायरवुड कैसे मापेगा। तो सिंपल है, उसने क्या किया, एक साइड 6 kg रखा, दूसरी साइड 5 kg, तो 6 - 5 मतलब 1 हो गया है। अभी इसमें वो जो 6 को बैलेंस करने के लिए सॉरी जितनी लकड़ियाँ चाहिए होगी उतनी डाल देगा, तो वो 1 kg की होगी, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे उसने आइडिया लगाया है। सो नाउ यू सो हाउ अब्दुल विल यूज दिस स्टोन पीसीस टू वेट 4 kg अगर करना हो तो देखो एक साइड में 6 डालो, दूसरी साइड में 2 डालो, 6 - 2 मतलब यहाँ पे 4 kg हो गया, अभी वहाँ उतनी लकड़ियाँ डाल दो तो 4 kg हो जाएगा। फिर 3 kg करना है तो हमको पता है कि 5 - 2 3 होते हैं, तो इधर 5 डालो, इधर 2 डालो और दोनों को बैलेंस करने के लिए उतनी लकड़ियाँ इस साइड डालो, तो ये हो गया 3। फिर 7 करना है तो वो तो बहुत आसान है, 5 + 2 इधर 5 और 2 दोनों डालो और यहाँ लकड़ियाँ डाल दो, हो गया 7। तो इधर मैं मेरा लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ, अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर के और कुछ सम्स सीखेंगे। टिल दैट टाइम गुड बाय एवरीवन।